nama. Hello, hi friend. My name is Kunal Singh. I am basically Bihar se hu. Aur yahan actually mera aim jo tha wo laptop chip level repair ka tha. And isliye main yahan pe aaya tha. Aur ye mera friend hai. Mera naam Sachin hai. Main jab Madhya Pradesh se belong karta hu. Aur jaise ki mere dost ne bataya ki hum dono yahan pe ek saath hi aaye the. Hamara basic aim tha ki chip level repairing mein aur advance hona. मीन्स डीपली जाना और लैपटॉप रिपेयर करना सीखना, तो हमारा कोर्स साथ में ही साथ हुआ था. और यहाँ के हम लोग को पहले भी रिपेयर करते थे, लेकिन पहले क्या था जो हम लोग जैसे एक होता है ना, एक बेसिक लेवल और एक बिगनर्स लेवल, ठीक है. तो पहले जो हम लोग थे एक बिगनर्स थे, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली हम लोग कर नहीं पाते थे. अगर रिपेयर अगर 10 बोर्ड आते थे तो उसमें से एटलीस्ट हम लोग मैक्सिमम 4 से 5 वोल्ट रिपेयर हो पाता था और बाकी का नहीं हो पाता था, लौटा देते थे. एक लिमिट तक का था. हाँ. जितना नॉलेज था हमारे पास, हमें जितना खुद से गेन किया था, बस एक लिमिट तक का हो पाता था नॉर्मली. ऊपर छोटी मोटी प्रॉब्लम से लेकिन उतना डीप नहीं जा पाते थे, तो उस वजह से लगता था कि एक कमी रहती थी हमेशा. और सबसे बड़ी बात होती है इम्पीडेंस. जैसे अगर आप लोग भी अगर रिपेयर करते होंगे तो इम्पीडेंस का रोल बहुत अच्छी खासी समझते होंगे. बट हम लोग क्या समझते हैं, इम्पीडेंस से बस केवल हम लोग चेक किए और हो गया. बट यहाँ आने के बाद इम्पीडेंस पे कमांड जो कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा खासा मिला. अगर आप इम्पीडेंस के हेल्प से काफ़ी हद तक, अगर आपका इम्पीडेंस पे कमांड है, काफ़ी हद तक आप बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं. और हमारे बेसिक लैपटॉप में अपना जब रिपोर्ट प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है. हमें आके ये पता चला है यहाँ पे, आप अपना एक लैपटॉप को जो डायग्नोस प्रोसेस होता है उसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्लियर कर सकते हैं. मीन्स प्रॉब्लम पता लगा सकते हैं. प्रॉब्लम इतनी बड़ी रहती नहीं है हमारे लैपटॉप में, है ना. जैसे सपोज यहाँ पर हम लोग इससे पहले, यहाँ आने से पहले, मतलब सर के यहाँ के आने से पहले जो खुद से रिपेयर करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक्चुअली एक मैं बेसिक बताना चाहता हूँ. जो हम लोग जो वोल्टेज चेक करते हैं, यानी कि किसी भी कॉइल के आउटपुट पर, तो सिंगल साइड करते हैं और छोड़ देते हैं. बट कभी कभी होता क्या है, जो हमारा एक साइड तो कम वोल्टेज है लेकिन आउटपुट साइड ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर कुछ आईसी का प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम के कारण वो होता है. तो वो सब चीज़ बेसिक चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला. और एक्चुअली बेसिक चीज़ से ही आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाता है आपको. अच्छा? हमारा विजन क्लियर हुआ, जिस विजन से हम लोग यहाँ पे आए थे कि जो सीखना है कि वो हम सीख पाएंगे कि नहीं प्रॉपर. और यहाँ पे जो सर सिखाते हैं उनने बड़ी हेल्प की हमारी इस चीज़ को क्लियर करने में, डाउट छोटे छोटे और जो लॉजिक पे चलता है लैपटॉप हमारा, वो क्लियर किया उन्होंने हमेशा. सपोज़ आप एक एग्जांपल ले लीजिए, पहले लैपटॉप आता था मेरे पास, सपोज़ PCH, उसमें डेड लैपटॉप होता था और PCH डायरेक्ट प्लगिंग के साथ हीट होता था. तो हमेशा मैं ये समझता था कि PCH क्वालिटी, और मैं कस्टमर को रिटर्न कर देता था. तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हमेशा आपका PCH क्वालिटी नहीं होता है, कुछ बेसिकली रहता है, कुछ नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स ही रहते हैं जो ख़राब होते हैं, जिस वजह से आपका PCH हीट होता है. तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैं छोड़ देता हमेशा, पता नहीं चलती थी. तो यहाँ के वो सब क्लियर हुआ पूरी तरह से मेरा. हाँ, बहुत सारी चीज़ एक ऐसा है, जैसे यहाँ जैसे सपोज अब रिलेशन बनाना सीखना होगा, रिलेशन समझना होगा बिटवीन आपका सेक्शंस के. सपोज जैसे अब प्रॉब्लम किसी और बैटरी सेक्शन में अगर आपको आती है, तो ज़रूरी नहीं कि बैटरी सेक्शन में ही प्रॉब्लम हो, वो किसी और सेक्शन के कारण भी आ सकती है. हो सकता है आपका PCH खराब हो, इसलिए आपका, क्योंकि PCH का भी तो डेटा क्लब जाता है ना बैटरी सेक्शन में, ठीक है, या फिर अगर आपका 3-5 IC है या कुछ भी है, तो वो रिलेशन आपको समझना होता है. और ये सब चीज़ हम लोग को नहीं समझ में आता था इससे पहले, जब क्या होता है एक्चुअली, अगर हम लोग 3-5 IC हीट हो रही है, हम लोग समझते थे जब बस एक्चुअली बेसिकली 3-5 IC ख़राब है, चेंज पर चेंज किए जा रहे हैं लेकिन वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हो रहा. तो ये सब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने को मिली, और यही सब छोटी छोटी बातें ही आपको बड़ा बनाती है. और अगर आप चाहते हैं स्पीड में आगे बढ़ना, तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि एक बार आइए यहाँ पे, क्लास ज्वाइन कीजिए, सर का कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप डेमो क्लासेस लीजिए. अगर आपको
लगता है कि अगर आपको लगता है कि सब ठीक है, आप सीखना बराबर सीख रहे हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ रहिए, सीखिए अच्छे से। और जो अपने को एक जगह रहता है ना कि जाने से पहले एक डाउट रहता है कि कैसा माहौल होगा, क्या सपोर्ट होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, तो अगर आप आके यहाँ बिल्कुल उसी चेक कीजिए, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि आपको सीखने में मज़ा आएगा। फ्रीडम जो होती है, फुल फ्रीडम है आपको सब कुछ करने की यहाँ पे, ऐसा पढ़ाया जाता है इस तरीके से। और हर चीज़ यहाँ पे को फ्रेंडली होता है, मतलब कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा जो हम कहीं ऐसा जगह आ गए हैं जहाँ फंस गए हैं, यहाँ पर ऐसी नहीं है। आप हर चीज़ बेसिक से यहाँ सिखाया जाता है, ठीक है, और बेसिक में ही हर चीज़ है, सारा सॉल्यूशन आपका डिपेंड करता है बेसिक पे। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, देन आप मतलब समझिए जो 90% आप सॉल्यूशन आपको बेसिक से ही मिल जाता है, केवल 10% ही ऐसे हैं जो आपको डीप लेवल में जाना पड़ता है, जस्ट लाइक आपका काम वहाँ पे DSO का पड़ेगा, BGA का पड़ेगा। अगर आपका अच्छा कमांड बेसिक पे है तो बस आप 90% ऑफ बोर्ड ऐसे ही आप सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक बात ये भी शेयर करना चाहता हूँ, सपोज हम कहीं भी जाते हैं कि हम ट्रेनिंग कोर्स के लिए जाते हैं, हमको ये लगता है कि कोर्स ख़त्म होने के बाद हमको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम क्योंकि हमारे साथ यही होता है कि आप एक कोर्स ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप परफेक्टली हर लैपटॉप बना लें, आपको कहीं ना कहीं अपने टीचर, अपने सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ की एक चीज़ पता चली है कि जो सर है हमारे, वो आपको यहाँ से जाने के बाद ही प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, ये मैंने लाइव देखा है। मीन्स जो स्टूडेंट मुझसे पहले जाके पढ़ चुके हैं उनको सर आज भी सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट रहता है। आप 10 में से 9 लैपटॉप बना लेंगे, आप एक ना एक लैपटॉप में फंसेंगे ही फंसेंगे, आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सपोर्ट एक रहता है, बैक सपोर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्या बोल सकते हैं आप उसको, स्टैंड बोल सकते हैं कि आप कैसे, एक बैक सपोर्ट है आपको, कहीं भी आप फंसेंगे तो आपको एक हेल्प मिलती रहेगी। तो एक सपोर्ट होना हर जगह से ज़रूरी होता है ना कुणाल जी? हाँ एकदम। और दूसरी चीज़, जैसा कि सपोर्ट बोले, सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ही, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर मैंने देखा है जो जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर सर के, कुछ स्कीमेटिक ऐसे हैं जो कि पब्लिकली, पब्लिक को मतलब डायरेक्टली नहीं मिल पाता है। सपोज जैसे वेगास टूरिस्ट है, D704P है, वो सब सर अवेलेबल करवाते हैं और ओनली फॉर स्टूडेंट, और हम लोग को देते हैं और बिना स्कीमेटिक के, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं जो विदाउट स्कीमेटिक रिपेयर करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आप जो नया बोर्ड आते हैं जैसे 6-7 जनरेशन के, जहाँ पर आप विदाउट स्कीमेटिक नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं एटलीस्ट अगर कोई IC खराब है, उसकी कौन से पिन कहाँ है, जो पुराना है वहाँ पर तो लोग करते लेकिन लेटेस्ट जनरेशन के कुणाल जी रिपेयर करना मुश्किल होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है 6-7 जनरेशन। वो चीज़ है, तो वो सर यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है जो यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है जो एक चीज आपको बताना भूल गया, जो ये यहाँ पर जो सर का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सर्विस सेंटर है। और यहाँ पर क्या होता है, जो पर डे का एटलीस्ट 8-10 लैपटॉप आता है, और जब आप थोड़ा सा ये हो जाते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं थोड़ा सा ये हो गया था बेसिक मेरा थोड़ा सा, यानी कि 15-20 दिन के बाद मुझे सर ने अपना कस्टमर का जो लैपटॉप है वो देना स्टार्ट कर दिया था, आप खोलो, खुद से बनाओ, और जहाँ पर मैं फंसता था पीछे से सर हैं, सर हमारी मदद करते थे। ये सबसे बड़ी बात होती है जो जब आप 10-20 बोर्ड रिपेयर कर लेते, क्योंकि होता क्या है इंस्टीट्यूट सब में, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दिया जाता है, या फिर जो एक लिमिटेड बोर्ड है और जो भी स्क्रैप बोर्ड है उस पर आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है लाइव बोर्ड, मतलब कस्टमर का जो प्रॉब्लम जनरेट होता है, अब क्या प्रॉब्लम आया नहीं आया ये तो फिर आप देख सकते हैं ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट सब में क्या होता है और जगह क्या होता है, प्रॉब्लम जनरेट किया जाता है, प्रॉब्लम जनरेट करना और प्रॉब्लम ऑटोमेटिक से अपने आप जनरेट होना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है जो यहाँ पर कस्टमर का लैपटॉप पर आप जब आप बना लेते हैं अपने हाथों से 10-20-30 लैपटॉप, तो आपको एक अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, और फिर आप जा करके कुछ अच्छा सा कर पाते हैं, लाइव प्रैक्टिकल देखना, लाइव प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, खुद देखते हैं, आपको चीजें समझ में आती है, कैसे डायग्नोस करना है, इजी स्टेप्स पता चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अंदर से आपको एक हिम्मत आती है जो नहीं हम भी कर सकते हैं।